दोस्तों अभी अगर कंपाउंड की प्राइस की बात करें तो ओवरऑल इसकी प्राइस जो है वो $315 पर ट्रेड कर रही है और $324 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक पहुँच गई थी। 24 आवर में हमें 27% का ऑलमोस्ट पंप देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट है इसकी प्राइस में, और $65 अप हुआ है 24 आवर में। अगर उससे पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर और भी, यहाँ पर $196 तक इसकी प्राइस जो है पिछले तीन चार दिन पहले पहुँच गई थी। अगर हम वन डे के चार्ट में देखें तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है, अगर यहाँ जाएँ हम तो ये 21 तारीख को जो इसकी प्राइस है वो पहुँच गई थी $196 तक पहुंच गई थी, जो कि इसको यहां पर इसको एक सपोर्ट मिला और फिर यहां से ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई। और कल की अगर बात करें तो कल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी और अच्छा खासा बाइंग जोन हमें यहां पर मिला इसमें कल और परसों दो दिन में। यहां पर अगर बात करें तो एक तो 27 तारीख को और 28 तारीख को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी और इसकी प्राइस जो वापस पंप हुई, जैसा कि हमें बिटकॉइन के फॉर्म में देखने को मिला, बिटकॉइन की प्राइस अप हुई। उसी फॉर्म में जो दूसरे अल्टकॉइन है उनमें भी अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो वन डे के चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पर कल अच्छा खासा इसमें बाइंग हुई इसमें और अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बना और अभी भी ग्रीन कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मार्केट जो इसी तरह से थोड़ा सा बुलिश पैटर्न पर अगर चले तो यहाँ पर जो प्राइस हम इसकी आज अगर एक्सपेक्ट करें, आज अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है और बाइंग जो इसका जो बाइंग है कम से कम अगर 100K 120K तक भी अगर पहुँचता है तो इसका जो प्राइस है हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $350 तक पहुँच जाएगा, जो कि इसकी अच्छा खासा मूवमेंट है। हालांकि जो ऑल टाइम हाई है वो इसका $911 था, उससे तो ये बहुत नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम नीचे तो अभी है और ऑलमोस्ट फोर टाइम डाउन जो था वो $196 पर पहुंच गया था। तो अगर $196 पर अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, हालांकि इतना परफेक्ट ट्रेड तो हो सकता है शायद ही किसी ने लिया होगा, लेकिन अगर हम ये माने कि $250 पे भी ट्रेड लिया होगा किसी ने इस यहाँ पर अगर लिया होगा कि ये जो डिप था इसमें हम खरीद लें, तो यहाँ पर भी $272 चल रहा था, यहाँ पर भी लिया हो, या फिर अगर हम बात करें $284 या फिर $300 पर भी अगर लिया हो इस डिप में भी, या फिर इससे पहले की जो डिप थी यहाँ पर भी अगर लिया हो तो $322, तो वहाँ पर भी उनका जो पोर्टफोलियो है अब लगभग सेम आ गया होगा उनके पोर्टफोलियो में। यहाँ पर ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हो रहा होगा, ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा। और अगर जिसने यहाँ पर लिया होगा $200 पर या फिर $220-$250 पर लिया होगा इतना परफेक्ट ट्रेड, तो यहाँ पर उनको ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 30% का जो प्रॉफिट है, 30 से भी ज़्यादा अगर बात करें 40% के लगभग का प्रॉफिट अभी हो रहा होगा। और एक अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, और लॉन्ग टर्म में भी हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते हैं, अगर वन ईयर की भी बात नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट जो है ऑल टाइम हाई, वापस ऑल टाइम हाई जहाँ पर गया था ये, वहाँ पर पहुँचने में इसको वापस से वही 2 से 3 महीने का, यहाँ से लेकर जो ऑल टाइम हाई है और नेक्स्ट जो ऑल टाइम हाई बनेगा उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है नॉर्मली। अगर हम जो कैंडल्स को और पिछले अगर हमने रिव्यू किया उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वापस से इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 3 से 4 महीने में हम एक्सपेक्ट करें तो सितंबर तक इसका वापस ऑल टाइम हाई आ सकता है। तो यहाँ पर अगर इसमें आपने ट्रेड लिया है, अच्छा खासा फंडामेंटल कॉइन है, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर स्टेबल रहें कुछ टाइम, अगर आप होल्ड करके रखें और ज़्यादा टाइम भी होल्ड नहीं करते, अगर आप 2-3 महीने भी होल्ड करते हैं तो भी ऑलमोस्ट इसको हम $600 तक देख सकते हैं, और $600 में भी आपका 2x 2.5x का प्रॉफिट जो है वो आराम से मिल सकता है। तो आगे हम देखेंगे बिटकॉइन के फॉर्म में क्या कुछ चीज़ें होती है। अगर बिटकॉइन जो है वो $40,000 के अगर रेजिस्टेंस तक जाता है और वहाँ पर उसको थोड़ा सा देखिए, 40,000 पर एक रेजिस्टेंस है और 30,000 पर वहाँ पर उसको एक सपोर्ट है, तो 30,000 अभी 35,000 पर ट्रेड कर रहा है, तो 40,000 तक अगर हम फ्राइडे तक एक्सपेक्ट करें बिटकॉइन को, तो इसको भी हम फ्राइडे तक $400 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, $380-$400 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि देखिए एक अच्छा खासा मूवमेंट के बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने को मिलता है, दो दिन से अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है हमें, जहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर टच नहीं हो पा रहा बिल्कुल फिक्स,
यहाँ पर देखिए $220 पे चल रही थी इसकी प्राइस, और वहाँ से अभी ऑलमोस्ट $100 जो हो बढ़ गई है। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट 3 दिन से चल रहा है, और आज भी अगर एक अच्छा खासा मूवमेंट चले तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं $350 तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ तक अगर इसकी प्राइस गई तो फिर हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है 1-2 दिन के अंदर, या फिर फ्राइडे तक भी करेक्शन नहीं हुआ तो फिर तो वीक ऑफ में आप समझ सकते हैं। लेकिन मंथ एंड में करेक्शन हमें कल अगर मंथ एंड में करेक्शन नहीं देखने को मिला तो फिर हमें फ्राइडे को ही करेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ चीज़ें होती है, वन डे के चार्ट में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन रही है, 15 मिनट के चार्ट में भी अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर इसने लिया था। अगर बात करें तो कल शाम को 6 बजे यहाँ पर इसको अच्छे खासा बाइंग सपोर्ट मिला था, और अच्छा खासा बाइंग हुआ था इसमें। यहाँ पर बात करें तो 18 के 15 मिनट के चार्ट में एक और एक हुआ था यहाँ पर 25 के समथिंग, तो वहाँ पर इसने फिर अच्छा खासा जो है पंप हुआ था ये कॉइन, और फिर जो है स्टेबल बना हुआ है और अभी अच्छा खासा ट्रेड इसमें चल रहा है। तो बाकी अपने हमें नज़र बनाई रखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे कॉइन्स जो है उनके बारे में आपको न्यूज़ मिलती रहे, बाकी दूसरी चीज़ें भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर आपने कहाँ पर ट्रेड लिया, आपका जो पोर्टफोलियो है वो कहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या उसमें लॉस दिख रहा है या प्रॉफिट दिख रहा है। अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बहुत अच्छा ट्रेड लेकर बैठे होंगे यहाँ पर, और लॉस दिख रहा है तो फिर भी अगर आपने फर्स्ट डिप में लिया होगा तो भी आपको ज़्यादा कोई लॉस नहीं दिख रहा होगा, और अगर ऑल टाइम हाई में लिया होगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा हमें आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा होगा। तो क्या कुछ चीज़ें हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।